ऑल राइट, सो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में आपका भाई आपको पांच ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला है जिसको यूज करके आप भीड़ से अलग दिख सकते हो, मतलब बाकी जो लड़के हैं ना उनसे ज्यादा स्मार्ट, उनसे ज्यादा हैंडसम दिख सकते हो। ट्रस्ट मी, ये इतनी सीक्रेट चीज है ना जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और अगर आपको इन सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया ना तो बाबा आप अपनी स्मार्टनेस तक को, आप अपनी हैंडसमनेस तक को एक नई लेवल तक पे ले जाओगे। आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है ना, तो आप भी जरा सा कष्ट उठा लो, वो सब्सक्राइब बटन है ना उसे दबा दो, पास में आपको मिलेगा बेल आइकन उसे भी दबा दो, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाओ मेरे भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि आपका भाई रील्स भी तो बना रहा है ना, वो भी आपके काम आएगी। अब सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। सीक्रेट नंबर वन, टेक्निक ही गलत है तुम्हारी। ये ना एक सीक्रेट टिप से ज्यादा एक सीक्रेट मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हो। अब बेसिकली ये मिस्टेक क्या है, समझो आपने कोई मॉइस्चराइजर या फिर अपने फेस पे कोई क्रीम लगा रहे हो ना, क्रीम को लिया उसे सीधा लगा लिया, लेकिन जब आप उस मॉइस्चराइजर को अप्लाई करते हो ना तो आप सिर्फ मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप डर्ट, जर्म्स, मिट्टी, बहुत सारी चीजें अप्लाई कर रहे हो। समझाता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल ये समझ लो कि ये जो चीज है ना ये आपका मॉइस्चराइजर है, और ये वो डेस्क है जहां पे आप अपने मॉइस्चराइजर को रखते हो। अब इस डेस्क के ऊपर मिट्टी, बहुत सारे जर्म्स जो हम देख भी नहीं सकते, बहुत सारी चीजें जो आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजर उठाया, इसे खोला, दोनों हाथ से क्रीम ली, डैब डैब की और अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से मसाज करके इसे अप्लाई कर दिया। अब बेसिकली आप क्रीम तो लगा ही रहे हो, लेकिन साथ में वो जो मिट्टी, वो जो जर्म्स है ना, वो भी अपने चेहरे पे लगा रहे हो और पूरे दिन इसे अपने चेहरे पे कैरी कर रहे हो। वेल, इसे सॉल्व करना बहुत ईजी है, या तो अपने जो प्रोडक्ट है उसे आप प्रॉपरली टाइम टू टाइम जब भी आप यूज करो तब उसे एक साफ कपड़े से साफ कर लो, या फिर सेकेंड चीज, एक हाथ से प्रोडक्ट को ओपन करो और जो दूसरा साफ हाथ है ना उसी हाथ को लेके आप अपने चेहरे पे उसे अप्लाई करो और एक ही हाथ से मसाज करते हुए अपने चेहरे पे इसे अप्लाई कर दो। ये गलती सुनने में बहुत छोटी है कि भाई क्या हो गया यार, लेकिन ये जो डर्ट है, ये जो बैक्टीरिया, ये सारी जो चीजें है ना, ये जब आपके चेहरे पे रहती है तो आपको एक्ने दे सकती है और भी बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम दे सकती है, डार्क स्पॉट तक दे सकती है। ये कमेंट्स में जरूर बताना आप में से कितने लोग ये वाली गलती कर रहे थे। सीक्रेट नंबर टू, घी और आपके पैरों की सोल। आपको रात को सोने से पहले जरा सा घी लेना है, उसे अपने पैरों के नीचे आपको अप्लाई कर लेना है, आपके जो पैरों की सोल है ना उसके ऊपर। अब मुझे पता है ये सुन के आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, चेहरे पे चीजें लगा के चमकने वाली सारी स्कीम ही पुरानी हो गई, कुछ नया आया है मार्केट में। भाई पैरों पे चीजें लगा के मुंह पे चमकान थोड़ी आती है, मतलब कुछ भी। देखो समझाता हूं, जब आप घी लगाते हो ना अपने पैरों पे तो मोटे मोटे चार फायदे होते हैं। सबसे पहला, ये आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। दूसरा, ये आपकी जो नींद है ना उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तीसरा, ये आपके एसिडिटी को रेगुलेट करता है, मतलब कम करता है, मतलब उसे मेंटेन बना के रखता है, आपको एसिडिटी होने नहीं देता। और चौथी चीज, ये आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। अगर आप मेरे चैनल पे थोड़े टाइम से हो ना तो आप जरूर जानते हो कि एक अच्छी नींद आपको अच्छी स्किन देती है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी स्किन में कमाल का ग्लो आता है। अगर आपको स्ट्रेस नहीं है तो ऑब्वियसली आप बहुत यूथफुल दिखते हो, आपकी स्किन में अलग ही जान दिखती है। तो बेसिकली ये चीजों की वजह से ये जो घी है ना ये आपकी स्किन के लिए बहुत कमाल का वर्क करता है, और इसके रिजल्ट देखने के लिए बहुत लंबा टाइम इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ 7 दिन करोगे ना, 7 दिन में आपको कमाल का चेंज दिखेगा अपनी स्किन में, और ये कंप्लीटली नेचुरल है ब्रो, ये आयुर्वेदा में लिखा गया है। सीक्रेट नंबर 3, नेवल पे ऑयल अप्लाई करना, आपकी जो नाभि है ना उसके ऊपर तेल लगाना। अब जरा सा सरप्राइजिंग जरूर है ये कि नेवल का और फेस का क्या कनेक्शन है, लेकिन डूड आयुर्वेदा में ये चीज भी लिखी है। अब ये जो बेली बटन है ना, ये आपकी बॉडी की बहुत सारी नर्व्स के साथ, बहुत सारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है, और ये टेक्निक ना बहुत पहले से यूज होती आ रही है आपकी नेवल, आपकी बेली बटन के ऊपर ऑयल डाल के आपकी कोई भी इलनेस है ना उसे ट्रीट करने की। बहुत पुरानी टेक्निक है, आज के टाइम में इसे यूज नहीं किया जाता है, लेकिन आपकी दादी, आपकी नानी, इनको ना इस टेक्निक के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा। तो अगर आपको एक्ने, पिंपल, ब्लेमिशेस, ये सारी प्रॉब्लम है ना, तो आपको चाहिए नीम ऑयल। आपको जरा सा नीम ऑयल लेना है, अपनी बेली बटन पे उसे अप्लाई करना है। ये चीज आप रोज कर सकते हो, इवन रात को भी कर सकते हो। अब ये चीज जब आप करोगे ना तो कुछ टाइम में आप नोटिस करोगे आपकी जो एक्ने और जो ब्लेमिशेस की प्रॉब्लम थी ना वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। और दूसरी चीज, अगर आपको अपने चेहरे पे शानदार ग्लो चाहिए ना, चेहरे को एकदम रेडिएंट दिखाना है, मतलब एकदम बेदाग आपका चेहरा हो, एकदम चमक रहा हो, तो आपको चाहिए आलमंड ऑयल। जरा सा आलमंड ऑयल लेना है, सेम अपने नेवल पे, मतलब अपने बेली बटन पे उसे अप्लाई करना है। कुछ ही दिनों में आप नोटिस करोगे शानदार ग्लो आपकी स्किन में। सीक्रेट नंबर 4, 60 सेकंड रूल। देखो
जब भी आप फेस वॉश करते हो ना, तो उसे 15-20 सेकंड तक अपने चेहरे पे रखते हो, मसाज करते हो, फिर धो देते हो। इससे क्या होता है, आपके फेस वॉश को ज्यादा वक्त नहीं मिल पाता आपके फेस पे रहने के लिए, जिससे उसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो इतना अच्छे से काम नहीं कर पाते। तो ये एक रूल हमेशा याद रखना, अपने चेहरे पे जब भी आप फेस वॉश अप्लाई करो 60 सेकंड तक उसे हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है। इससे क्या होगा, जो फेस वॉश के इंग्रेडिएंट्स है ना उन्हें ज्यादा वक्त मिलेगा आपके चेहरे पे रहने का, वो ज्यादा अच्छे से आपके चेहरे को क्लीन कर पाएंगे और वो ज्यादा इफेक्टिवली आपके चेहरे पे वर्क कर पाएंगे। और 60 सेकंड्स मसाज करने के बाद 15 सेकंड इसे ऐसे ही अपने चेहरे पे रहने दीजिए और इसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि जो भी फेस वॉश आप यूज कर रहे हो ना वो केमिकल से फ्री होना चाहिए, एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होना चाहिए, जैसे कि मामा अर्थ विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश। ये फेस वॉश बहुत शानदार है, जब आप इसे यूज करोगे ना तो ये आपके चेहरे को बहुत शानदार ग्लो देगा, ये आपके चेहरे को डीपली क्लीन करेगा। और मेन चीज, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, कोई भी इसमें केमिकल्स नहीं है और ये हर एक स्किन टाइप के लिए, मतलब कोई भी इसे यूज कर सकता है। इसके इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखोगे ना तो सोचोगे बेटे मौज कर दी, इसके अंदर चार बहुत खास इंग्रेडिएंट्स है। सबसे पहले एलोवेरा, दूसरा क्यूकुम्बर, तीसरा टर्मरिक, चौथा विटामिन सी। देखो ये जो एलोवेरा है ना ये आपकी स्किन को हील करता है, जो क्यूकुम्बर है वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, ये जो टर्मरिक है ना ये आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है, और ये जो विटामिन सी है ना ये आपके डार्क स्पॉट को रिमूव करता है और आपकी जो अनइवन स्किन टोन है ना उसे इवन टोन बनाता है। इस फेस वॉश के साथ आपको इस टाइप का एक ब्रश भी मिलता है, ये काफी ज्यादा सॉफ्ट है और ये क्या करेगा, ये जो एक्सेसिव ऑयल है ना उसे आपके चेहरे से निकाल देगा और आपके चेहरे को बहुत अच्छी तरह से ये क्लीन करेगा। और ये एक फोमिंग फेस वॉश है, मतलब ये बहुत ज्यादा जेंटल है लेकिन ये उतना ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। अब मैं बताता हूं आपको इसे यूज कैसे करना है। तो आपको इसे पंप करना है और ये जो ब्रश है इसे डायरेक्टली अपने चेहरे पे आप अप्लाई कर सकते हो और इस तरह से अपने पूरे चेहरे पे आपको इस फेस वॉश को अप्लाई करना है। अब हल्के हल्के हाथों से इसे अपने चेहरे पे घुमाइए ताकि ये सारे एक्सेसिव ऑयल को, सारे डर्ट को, सारी गंदी चीजों को आपके चेहरे से ये निकाल दे। 60 सेकंड तक हल्के हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है और उसके बाद 15 सेकंड तक इसे ऐसे ही छोड़ दो और उसके बाद नॉर्मल वाटर से इसे वॉश कर लो। जैसे ही आप वॉश करोगे आपको अपना चेहरा काफी ज्यादा ब्राइट दिखेगा, काफी ज्यादा रेडिएंट दिखेगा। इसके बाद अपने चेहरे को आप पोंछ लीजिए और मामा अर्थ 10% विटामिन सी एसेंस सीरम को आप यूज कीजिए। ये स्किन इल्यूमिनेटिंग का काम करेगा, इसमें विटामिन सी तो है ही लेकिन उसके अलावा भी दो ऐसे शानदार इंग्रेडिएंट्स है ना जो कमाल वर्क करते हैं। सबसे पहला गोटू कोला और दूसरा नियासिनामाइड। ये गोटू कोला ना आपकी स्किन को फर्म बनाता है, कैसे, क्योंकि ये कोलेजन लेवल को बूस्ट कर देता है तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा फर्म दिखती है। अब ये जो नियासिनामाइड है ना ये क्या करता है पता है, जो आपके एनलार्ज पोर्स है ना उन्हें ये रिड्यूस कर लेता है। ये भी हर एक स्किन टाइप के लिए है और इसके अंदर भी कोई भी केमिकल्स नहीं है। देखो मामा अर्थ के प्रोडक्ट्स की जब भी बात होगी ना तब बात ये जरूर होगी कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उनमें कोई केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो आपकी स्किन को नुकसान देगी। मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट एकदम नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं। इन दोनों को परचेज करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप इसे इजीली परचेज कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज, अगर आपको 20% फ्लैट ऑफ चाहिए ना इन प्रोडक्ट्स पे तो मामा अर्थ की वेबसाइट पे जाके MAN2021 कूपन कोड आपको यूज करना है। ये प्रोडक्ट्स आपको मामा अर्थ पे, Amazon पे, Flipkart पे मिल जाएंगे। मामा अर्थ आपके ऑर्डर को ना उनकी वेबसाइट पे एक ट्री से लिंक कर देते हैं। मामा अर्थ का एम 2025 तक 1 मिलियन ट्री उगाने का है, तो इस अच्छे इनिशिएटिव में आप भी उनका साथ दे सकते हो। और मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट है ना ये टॉक्सिन फ्री है। बेसिकली टॉक्सिन क्या होते हैं, आपके चेहरे के लिए तो हार्मफुल है ही लेकिन इस नेचर के लिए, हमारे एनवायरमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। सीक्रेट नंबर 5, फेशियल योगा। अगर आपको चेहरे पे कमाल का ग्लो चाहिए ना एकदम नेचुरली तो फेशियल योगा ना बहुत कमाल तरीके से आपकी हेल्प करेगा। ये आपकी चेहरे की जो मसल्स है ना इन्हें स्ट्रेंथन करता है और आपको काफी ज्यादा एनर्जेटिक लुक देता है। फाइन लाइन, रिंकल, इनको इजीली रिमूव करता है। आपके जो डार्क सर्कल है ना इसे भी ये रिमूव करेगा, आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा, आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है ना उसे ये कमाल तरीके से इंप्रूव करेगा और आपकी स्किन को फिट और फर्म बनाएगा, मतलब जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक ये सॉल्व कर देगा। और फेशियल योगा आपके चेहरे को काफी ज्यादा शार्प लुक देता है। जैसे आप बॉडी बनाते हो ना जिम जाके, आपकी मसल गेन होती है, आपकी बॉडी बहुत शानदार दिखती है, सेम वैसे 5 मिनट आपको निकालने हैं दिन के अपने फेस के लिए ताकि आप फेशियल योगा कर पाओ। मुझे यूट्यूब पे एक कमाल का वीडियो मिला था फेशियल योगा पे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अंदर पॉइंट बाय पॉइंट सब कुछ एकदम ईजी वे में और एकदम क्लियर वे में बताया, जिसको आप इजीली फॉलो कर सकते हो, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। अगर भीड़ से अलग दिखना चाहते हो ना तो ये 5 सीक्रेट टिप्स आपको जरूर फॉलो करनी चाहिए। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो
अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा देन प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आपका भाई ऐसे ही काम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।